हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो जब बात करें किंगडम हीरोज प्लस काया टाइगर्स के बी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम में किस प्रकार को पिक करना है, किस प्रकार को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे डिटेल के ड्रीम टीम के बारे में, और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए मैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम पर आइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपके साथ यहाँ पर 2.7 के बंदे जुड़ चुके हैं, और दोस्तों मैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी टीम देता हूँ, अल्ट्रा क्लीनशिप चलते रहते हैं। और जो पिछला मैच तो हम कवर किया था वो काफ़ी अच्छा खासा और अल्ट्रा क्लीनशिप किया। इस मैच में दोस्तों 20 का भी एक शॉट मारा था, तो काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा हमने इस मैच में विन किया। और दोस्तों, आपको यहाँ पर आने के बाद विजन 11 का लिंक मिल जाएगा, आपको विजन 11 का लिंक को डाउनलोड कर लेना है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाना है। विजन 11 कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है और एंट्री भी तो दोस्तों काफ़ी कम है, आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात की जाए मैच के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किंगडम हीरोज़ के बारे में, तो किंगडम हीरोज़ ठीक ठाक टीम है। अभी तक इन्होंने 116 मैच प्ले किए, जहाँ पर 59 में विन और 57 मैचों में लॉस का सामना किया है, तो पता चल रहा है कि ठीक ठाक टीम है। मैं वही बात करूँ काया टाइगर्स के बारे में, तो काया टाइगर्स ने 109 मैच यानी कि 109 मैच प्ले किए, जहाँ पर 44 में विन और 65 मैचों में लॉस का सामना किया है, तो पता चला जो किंगडम हीरोज़ है वो ज़्यादा अच्छी खासी टीम है। और दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या आज क्या इशू चल रहा है, मैं अपनी टीम बनाकर सेव नहीं कर पा रहा हूँ। आप आगे देख लेना और बता देना क्या प्रॉब्लम हुई, उसको कर लूँगा आपको पता हो तो। तो दोस्तों, मैं ड्रीम टीम बनाऊंगा, आपके सामने रहूँगा, लाइव बनाऊंगा। तब तक दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम देता हूँ टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्रिएटर टीम दोस्तों, आपको बताऊंगा कि आप अपने टीम कौन से ऑफील्डर, कौन सी फील्डर, कौन सी पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है, जो वीडियो एंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में अच्छी खासी नॉलेज और अच्छी खासी विनिंग मिलने वाली है। दोस्तों, ऑफील्डर स्किन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वॉन जून से। तो वॉन जून दोस्तों इस मैच के सबसे अच्छे प्लेयर होने वाले, आज के कैप्टन होंगे, पिछले लगातार मैच उनका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा रहता है, और एक दो मैच में एक होम रन भी लगा देते हैं। होम रन दोस्तों सबसे बड़ा होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका अपोनेंट होगा वो अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, या वो तो यह देखेगा वो कितना सिलेक्टेड है, या फिर वो देखेगा उसके कितने पॉइंट्स है, उसको घंटा फर्क, उसको घंटा नॉलेज नहीं दोस्तों कि बेसबॉल क्या है क्यों है, बस वो लाइनअप देखेगा और पैसे लगा देगा, और यही उसकी दोस्तों कमजोरी है, यही कमजोरी का फायदा उठाकर हम उसका अच्छा खासा पैसा विन कर सकते हैं। तो वॉन जून दोस्तों आपके सबसे बेस्ट चॉइस होगी, आपको उनको अपनी टीम के लिए उठा लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लेयर आपको लेना है ह्यून वू, इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, और जो मेजोरिटी रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है, और आज भी इनका मेजोरिटी इनका सिलेक्टेड रेट इतना ही रहा, तो ये मैच मैं आपको एक तरफा विन करवा दूंगा। दोस्तों, बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर मैं करूँगा चेंग जिन को। चेंग जिन दोस्तों, इनका जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था, और मैं आपको बता दूँ ये टीम आपको विजन 11 पर ट्राई करनी है। दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों घंटा नॉलेज नहीं, किसी को ड्रीम 11 पर ही नॉलेज नहीं है, तो विजन 11 पर सोच के देखिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम कॉम्पिटिशन है, बस बंदा लाइनअप देखता है और पैसे लगा देता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, ले चेंग जिन आपके सबसे बेस्ट चॉइस होगी केवल सिर्फ एज अ प्लेयर के लिए, अगर आप अपनी टीम के लिए चलते हैं तो। दोस्तों, हम बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर एमट को मैं पिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्लेयर दोस्तों, आपको किसको उठाना है अपनी ऑफील्डर सेक्शन से, तो ऑफील्डर सेक्शन से आपको यहाँ पे तीन प्लेयर को उठा के चलना है। हायस सुंग को दोस्तों, हायस सुंग का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, और आपको टीम से ड्रॉप नहीं करना है, चाहे दोस्तों 0 पॉइंट कलेक्टर है, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे और भरोसेमंद प्लेयर हैं। टाइजिन को अपनी टीम के लिए आपको पिक करना है, टाइजिन का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है, और दोस्तों एक दो मैचों में एक होम रन लगा देते हैं, जैसे कि आप चेक करेंगे पिछले मैचों में एक होम रन भी लगाया है, जो बहुत बड़ी बात होती है। और जो फाइनल टीम होती है वो आपको स्टैट के आधार पर मिलती है, स्टैट निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर से स्टैंड निकाल कर दोस्तों टीम को पिक करता हूँ, फिर वो फाइनल टीम दोस्तों टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और विजन 11 पर एक बार पैसे इन्वेस्ट करके देखिए, आपको मोटा प्रॉफिट होने वाला है। तो हम बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर चैन हो के बारे में, तो चैन है मेरे लिए काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है, लगातार मैच उसे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, और ऐसे परफॉर्मेंस करते रहे दोस्तों ये मैच मैं आपको अल्ट्रा क्लीन स्विप करवा दूंगा, ये मेरा आपको वादा है। तब तक आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें नेक्स्ट प्लेयर पिचर के बारे में, तो पिचर और कैचर के लिए आपके पास ज़्यादा अच्छी खासी चॉइस नहीं है इस मैच में, और जो क्रेडिट इशू है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है इस मैच के अंदर। दोस्तों, एक प्लेयर रह गया, मैं एक प्लेयर किसको ट्राई करूँ, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, सुंग वुम, आपको सुनना है सुंग वुम को, जिसमें जो काफ़ी अच्छा खास प्लेयर है, और इस प्लेयर की तरफ ज़्यादा बंदों का ध्यान भी बिल्कुल भी नहीं है, आपके अपोनेंट के पास ये कन्फर्म देखने को नहीं मिलेगा आपको, और आपको इनको ही अपनी टीम के लिए लेके चलना ही चलना है। दोस्तों, मैं जोकोविच को अपनी टीम के लिए ट्राई एज अ पिचर करना चाहूँगा, बाकी एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए, लाइनअप आने के बाद मैं काफ़ी अच्छी खासी टीम पर ऑर्डर करवा दूंगा, तब तक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, कैचर मैं अपनी टीम के लिए ट्राई करना चाहूँगा डोंग वोन को, परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन था, लेकिन दोस्तों ठीक ठाक, एक कैचर को देखते हुए दोस्तों डाउन परफॉर्मेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बाकी एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए, लाइनअप आने के बाद मैं काफ़ी नेक्स्ट लेवल की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि टीम में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस से पहले बात करते हैं टीम के प्रयोग के बारे में। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने टीम में 3 आउटफील्डर 4 इनफील्डर 1 पिचर कैचर को ट्राई किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस आपकी किसकी रहनी चाहिए? कैप्टन तो वो जोन ही रहनी चाहिए। आपको है सुनूंगा दोस्तों एज अ प्लेयर के चलना क्योंकि दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस और भरोसेमंद प्लेयर है। दोस्तों वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं लेकिन कैप्टन आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। कैप्टन आपका अपॉइंट कैप्टन निकल जाए तो अगर वो जोन आपका कैप्टन है तो दोस्तों आप एक तरफा भी कर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों मैं टीम को सेव करूँगा, टीम सेव नहीं होगी। देखिए दोस्तों क्या है, देर वाज एन इशू इन सेविंग योर टीम, प्लीज ट्राई अगेन। दोस्तों मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, सुबह से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। तो अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सोल्यूशन कर लूँगा। काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही दोस्तों, मतलब काफ़ी टीम मैं नहीं बना पा रहा हूँ और ना ही आपको टीम दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप फाइनल टीम के लिए, फाइनल टीम आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तब तक दोस्तों मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्या प्रॉब्लम मुझे हो रही है।